दिल्ली में जल संकट को लेकर, किस तरह से दिल्ली में जल संकट बना हुआ है और इस पर जमकर सियासत भी हो रही है। खबर है दिल्ली में पानी को लेकर, पानी की किल्लत पर बीजेपी का प्रदर्शन। तो दिल्ली में पानी को लेकर बीजेपी का हल्ला बोल। दिल्ली में अलग अलग 14 जगहों पर प्रदर्शन किया जा रहा है। बीजेपी सांसद विधायक प्रदर्शन में शामिल। दिल्ली सरकार के खिलाफ बीजेपी का विरोध प्रदर्शन यहाँ पर जारी है और जिस तरह से पानी का संकट जो है वो दिल्ली के लोगों पर मंडरा रहा है। एक तरफ से कई ऐसे इलाके हैं जहां पर रातों से लोग लाइन में खड़े होते हैं पानी के लिए और कुछ ही लोगों को पानी मिल पाता है। ऐसे में कई जगह खबरें इस तरह की भी सामने आ रही हैं कि पाइपलाइन जो है वो काटी जा रही है। हालांकि इस पर आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये साजिश जो है वो रची जा रही है। दिल्ली सरकार के में पानी, दिल्ली में पानी का संकट लगातार बरकरार। दिल्ली में पानी की किल्लत पर बीजेपी का हल्ला बोल। दिल्ली में अलग अलग 14 जगहों पर प्रदर्शन किया जा रहा है। बीजेपी सांसद और विधायक जो हैं वो इस प्रदर्शन में शामिल हैं। पानी की किल्लत को लेकर लोगों की परेशानी जो है वो फिलहाल बढ़ती हुई नजर आ रही है। गर्मी बढ़ते ही किस तरह से पानी की मुसीबत जो है वो लोगों को झेलनी पड़ती है दिल्ली में। कमलजीत सहरावत बीजेपी से सांसद हैं, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है कमलजीत को सुनिए। सरकार, केंद्रीय सरकार, हरियाणा सरकार, बाकी सरकारों पर झूठे इल्जाम लगा रही है। कमी उनके अपने डिपार्टमेंट के अंदर है। इस तरह के न जाने कितने ही पॉइंट है जहां पर पानी की वेस्टेज हो रही है। ना वो जो उनके एसटीपी पॉइंट है उनको रखाव कर पा रही है, ना वो इस तरह के पॉइंट्स जो वहां पे वेस्टेज हो रही है उनको रोक पा रही है। तो ये बहुत बड़ा एक आप कहिए अपराध है दिल्ली की जनता के साथ कि इस तरह का काम हो रहा है, उनके नाक के नीचे हो रहा है। द्वारका के दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों को सारी बात पता है, फिर भी इसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा। इस पानी से लोग यहाँ पर गाड़ियां धोते हैं, पानी यहाँ पर वेस्ट होता है और सारा यहाँ पर सीवर के पानी में मिलता है। तो हमारा आज आपके माध्यम से कहना है कि बार बार हम इस बात को उठा रहे हैं कि दिल्ली सरकार झूठे इल्जाम लगाने की बजाय अपने दिल्ली जल बोर्ड की मैनेजमेंट पर ध्यान दे तो दिल्ली की जनता की प्यास बुझ सकती है, दिल्ली की जनता की पानी की जरूरत पूरी हो सकती है। और इसी खबर को लेकर जानकारी सामने आ रही है। आतिशी ने पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखा है। दिल्ली में पाइपलाइन काटने पर यह चिट्ठी लिखी गई है। मेन पाइपलाइन काटने की साजिश, आतिशी पानी की परेशानी बढ़ाने का षड्यंत्र जो है वो रचा जा रहा है। ये आतिशी की तरफ से कहा गया है और साथ ही कहा गया है कि जहां पर इस तरह की शिकायतें मिल रही हैं पाइपलाइन काटने की, उस पर पुलिस जो है वो नजर रखे। आतिशी ने पुलिस कमिश्नर को लिखा है पत्र। दिल्ली में पाइपलाइन काटने पर चिट्ठी लिखी है। मेन पाइपलाइन काटने की साजिश रची जा रही है। आतिशी की तरफ से कहा गया पानी की परेशानी बढ़ाने का षड्यंत्र जो है, साजिश जो है वो रची जा रही है। तो मेन पाइपलाइन काटने की साजिश आतिशी की तरफ से ये कहा गया और बाकायदा ये चिट्ठी जो है वो दिल्ली सरकार में जल मंत्री हैं आतिशी, उनकी तरफ से कमिश्नर को, पुलिस कमिश्नर को ये चिट्ठी लिखी गई है। और इस पर सौरभ भरद्वाज की तरफ से क्या कुछ कहा गया है एक बार आपको ये भी सुनवाएंगे। लेकिन इन सब के बीच अपने आप में इस पूरे मामले को लेकर अब सियासत हो रही है। लेकिन इन सब के बीच सवाल ये है कि दिल्ली वालों की पानी की समस्या आखिरकार कैसे दूर होगी। दिलीप पांडे आम आदमी पार्टी नेता को सुनिए इस पर। सिर्फ अपनी बात रखने दिल्ली की जनता की पीड़ा कहने के लिए उपस्थित थे। हमने ऑलरेडी अपनी ओर से एक चिट्ठी इनके निवास स्थान पर रिसीव करवा दी है, उसकी कॉपी लेके हम सब आपके सामने यहाँ पे इकट्ठा हैं। आपके जरिए भी उन तक ये बात पहुंच जाए और उनकी ओर से अगर थोड़ा सा भी कम्युनिकेशन हो जाए, कोऑर्डिनेशन हो जाए, तो दिल्ली के करोड़ों लोगों को इस भीषण गर्मी में पानी के संकट से राहत मिल जाएगी। हम उम्मीद करते हैं नई उपाय, हमने यहाँ के पुलिस प्रशासन से बात करी, उन्होंने सूचित किया कि घर पे कोई है नहीं। हालांकि कल हमने लेटर रिसीव करवाया था, घर पे जो भी था उसने लेटर रिसीव करके साइन करके हमने रिसीविंग दी थी हमें। लेकिन अब अगर ऐसा है कि कोई भी नहीं है या ऐसा भी है कि कोई आना नहीं चाहता तो हम आग्रह पूर्वक आपके जरिए उन तक ये बात पहुंचाना चाहेंगे। और आयुष शर्मा इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। आयुष, दिल्ली के कौन कौन से इलाके हैं जहां पर अभी भी पानी का संकट बना हुआ है और साथ ही इस पर भी जानकारी आपसे चाहेंगे, क्योंकि आतिशी की तरफ से पुलिस कमिश्नर को एक चिट्ठी लिखी गई है जिसमें कहा जा रहा है कि मेन पाइप काटा जा रहा है, इसके खिलाफ
षड्यंत्र रचा जा रहा है ताकि पानी का संकट और ज्यादा गहरा जाए। जहां तक बात की जाए कि दिल्ली के किन किन इलाकों में इस वक्त जल संकट गहराया हुआ है, तो उन इलाकों में सबसे बड़ी जो नामी जगहें हैं उसमें से आती है चाणक्यपुरी है, वसंत विहार है, संजय कैंप है, उसके अलावा भी कुसुम पहाड़ी है, द्वारका के ऐसे कई इलाके हैं जहां पर अभी भी पानी नहीं आ रहा। लक्ष्मीनगर में इस वक्त हम मौजूद है जहां पर आप महिलाओं को इस वक्त फ्रेम में देख पा रही है। ये वो लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ आज यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। लोगों में कहीं ना कहीं गुस्सा है, रोष है इस परेशानी को लेकर। कुछ महिलाओं से भी जब हमने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि कई कई दिन हो जाते हैं पानी नहीं आता। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर पानी उस वक्त आता है टैंकर से जब घर में आदमी नहीं होते हैं, तो महिलाओं को वो भारी भारी बाल्टियां उठाकर तीसरी तीसरी मंजिल तक चढ़ना पड़ता है, जिसकी वजह से कई बीमारियां भी यहां पर महिलाओं को हो रही हैं। और यहां पर सबसे बड़ी समस्या यहां पर क्या है कि जो लोग हैं उनको कई बार पैसे देने पड़ते हैं टैंकर के या फिर यूं कहे पानी की बोतल के। कुछ महिलाएं मौजूद है। मैडम कहाँ से आए हैं आप? देखिए मैं दिल्ली में ही हूँ और दिल्ली की मंत्री हूँ भाजपा की, और केजरीवाल जी दिल्ली का बोलकर आए थे, मैं बेटा हूँ, बहनों को बोलकर आए थे मैं भाई हूँ, लेकिन हमारे सनातन धर्म में पानी को फ्री में पिलाया जाता है, लेकिन केजरीवाल जी ने तो जो मूलभूत सुविधा है वो भी दिल्ली से गायब कर दी। हरियाणा से पानी नहीं आ रहा है, वरना दिल्ली वालों को तो पानी देने के लिए हम सक्षम है, हरियाणा हमें पानी दे तो हम दिल्ली को आगे पहुँचा दे। केजरीवाल सरकार झूठ और भ्रष्टाचार की सरकार है। पीसी करने के अलावा इस सरकार को कोई काम नहीं है। काम कौन करेगा? एलजी करेगा। काम कौन करेगा? बीजेपी करेगी। काम कौन करेगा? मोदी करेगा। लेकिन जब अपनी बारी आती है तो वो पीसी कर बोलते हैं कि हमने ये काम किया है। ऐसे जमीन पर उतरकर काम करिए केजरीवाल जी, जेल में बैठकर आप सरकार नहीं चला सकते, आपको इस्तीफा देना होगा। लिखा है हरियाणा को, कह रहे हैं मानवता के नाते ही दिल्ली को पानी दे दीजिए, दिल्ली वाले तड़प रहे हैं, परेशान हो रहे हैं बिना पानी के, हरियाणा से पानी अगर आ जाए तो दिल्ली को दे दिया जाए और हिमाचल से आ जाए तो दे दिया जाए। योगी जी को भी आतिश जी ने पत्र लिखा, उन्होंने भी ये बात बोली कि यूपी से कुछ एक्स्ट्रा पानी दिल्ली को दे दिया जाए तो दिल्ली वालों को पानी मिल सके। देखिए केजरीवाल जी जेल में बैठे हैं, उनके सारे मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में लिप्त हैं, उनको जाकर देखना चाहिए कि हरियाणा सरकार पानी दे रही है या नहीं दे रही है। खाली पीसी करके आंकड़े गिनाने से कुछ नहीं होगा, जाकर देखे पानी पूरा आ रहा है, लेकिन ये लोग ट्रीटमेंट भी नहीं कर पा रहे पानी का। अनट्रीटेड पानी दिल्ली की जनता को पीना पड़ता है। कहाँ से आ रहे हैं मैम? मैं आईपी एक्सटेंशन से हूँ। क्षेत्र में पानी आ रहा है जहाँ से आप आई? हमारे क्षेत्र में जो हमारा इलाका है वहाँ पे बहुत कम पानी आ रहा है, दो दिन में एक बार पानी आता है, और गाजीपुर क्षेत्र हमारे यहाँ गाजीपुर गांव वहाँ तो पानी ही नहीं आता, बहुत लोग परेशान हैं। मतलब आप ये समझिए समर एक्शन प्लान कुछ होता है या नहीं होता है, इतनी बड़ी सरकार 2 करोड़ की जनता आता है तो क्या उस समय टैंकर के जरिए पानी मुहैया कराया जाता है लोगों को? टैंकर के जरिए पानी जो है कभी कभी मुहैया कराया जाता है, और 4 दिन में एक बार टैंकर आता है तो ऐसी लाइन लगती है, ऐसी भगदड़ पड़ती है कि लोग एक दूसरे का खून करने पर उतारू होते हैं पानी के लिए। सही है मैम। मैं लक्ष्मीनगर जहां धरना प्रदर्शन हो रहा है बीजेपी के द्वारा, उसी इलाके से मैं हूं, और पानी कितनी त्राही त्राही जो कि बेसिक नीड है हमारे क्षेत्र की, और यहाँ पे सुबह आधा घंटा 20 मिनट पानी आ रहा है, 20 मिनट में कौन क्या कर पाएगा? लोगों को ऑफिस जाना होता है, बच्चों को स्कूल जाना होता है, अभी तो छुट्टियां चल रही है, बच्चों को कुछ मनोरंजन पानी के द्वारा ही होता है, चाय बनाना है, कॉफी बनाना, कुछ भी करना बेसिक नीड है, वही जब जरूरत है पूरी। पानी आता भी है तो इतना गंदा नाले का झागदार पानी आता है जिसकी वजह से हरियाणा के ऊपर आम आदमी पार्टी के द्वारा वो लोग कह रहे हैं कि हरियाणा से अगर पर्याप्त पानी दे दिया जाए तो दिल्ली वालों को तो पानी पहुंचाने में दिल्ली सरकार सक्षम है। ये सरासर झूठ है, जिस तरह से इसकी नाकामी हो रखी है, अभी वो जल जेल भी गया है, वो किस कारण गया है सबको मालूम है। उसने पानी को बंद करवा के, पानी उपलब्ध ना करवा के शराब की उपलब्धि करवाई है, एक पे एक फ्री करवाया है, इस तरह के वो कार्य कर रहा है। अगर आप शराब को मुहैया करवाओगे और लोगों में बच्चों में जिस तरह के बच्चे परेशान है, छोटे छोटे बच्चे इसका शिकार बन रहे हैं, तो इसका कौन जिम्मेदार है? तुम तो एक आम आदमी बन के आए थे, दिल्ली का बेटा बन के आए थे, बोले थे मैं दिल्ली का बेटा हूँ, तो दिल्ली पानी आ रहा है मैम जिस क्षेत्र से आप आती हैं? पानी आता है, एक तो पानी ही गंदा आता है, झूठों की सरकार और झूठों का सरदार, वो क्या करेगा काम, है ना? एक बात सुनिए, जब वो जेल में बैठा हुआ है वो कहते हैं मैं जेल से करूंगा राजनीति, कहाँ से करेगा? जेल में तो गुंडों की सरकार चलती है, तो ये है ही गुंडा, इसके सारे मंत्री जो थे वो सारे गुंडे। इसने क्या कहा था? मैं यमुना साफ करवा के तुम्हें डुबकी लगवाऊंगा, कहा था ना? जो इंसान यमुना में डुबकी गा वो तो दिल्ली की जनता को पानी तक नहीं दे पा रहा, इतनी सड़ी गर्मी में अगर तुम पानी मुहैया नहीं करवा सकते, ऐसे सीएम को जल्द से जल्द इस्तीफा दे देना चाहिए। जो है दिल्ली के जल मंत्री है वो कह रहे हैं कि हम पत्र लिख रहे हैं हरियाणा को, हिमाचल को भी सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, यूपी से भी। मैं आपके चैनल से कहना चाहूंगी, खाली पत्र लिख के और आरोप की राजनीति करके पानी नहीं दिया जाता, जिससे काम करना होता है ना वो काम करता है, और जिससे काम नहीं करना होता ना वो केजरीवाल की तरह कहता है मोदी जी काम नहीं करने दे रहे, ये काम
है उसमें, करो जाके। महिलाओं में जो रोष है, जो गुस्सा है, वो देखने को मिल रहा है। एक पोस्टर मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा, ये देखिए टैंकर माफिया इस ट्रक के ऊपर लिखा हुआ, टैंकर के ऊपर लिखा हुआ है और अरविंद केजरीवाल उसके ऊपर बने हुए हैं। दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल और दिल्ली की जो जल मंत्री है आतिशी, उनकी तस्वीर लगा रखी है। इसे क्या आप संदेश देना चाह रही है? मैडम संदेश नहीं, इनकी हकीकत कार्टून के रूप में दिल्ली की जनता को दिखा रहे हैं हम, क्योंकि ये लोग झूठे हैं, भ्रष्टाचारी है। दिल्ली को शराब की नगरी बना दिया इस चंडाल ने और दिल्ली को पानी के लिए तरसा दिया। अबे हरियाणा से तो पानी पूरा आ रहा है, जब टैंकरों में पानी है, टैंकर तुम 35,000 का बेच रहे हो तो पानी की क्या कमी है? पानी की कमी तो तुम कर रहे हो, इनकी नीयत में कमी है। ये दिल्ली की जनता को हमेशा से धोखे करे है और दिल्ली को बूंद बूंद के लिए तरसा रहा है। हमने मटके फोड़े हैं और केजरीवाल बाज आ जाओ, अब की बात दिल्ली की जनता तुम्हें फोड़ने वाली है बीच चौराहे पे। हरियाणा से अगर पानी आ जाए तो दिल्ली को देने के लिए पर्याप्त पानी है? अबे हरियाणा से तो पानी आ रहा है, तेरे स्विमिंग पूल में कहां से पानी आ रहा है? पहले तो तेरे ऊपर 2,000 का जुर्माना लगेगा, तू स्विमिंग पूल में 3 बार पानी भरवाता। अबे झूठे, तेरी झूठ एक बार में नहीं उतरती, गंगा जल छिड़क ले। दिल्ली की जनता ने मुख्यमंत्री बनाया था तुझे, इसलिए नहीं कि तू दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाए। अब दिल्ली की जनता जाग उठी है और मैं बन गई हूँ इच्छाधारी नागिन और तुझे डस लूंगी केजरीवाल। आपने देखा कि महिलाओं में जो गुस्सा था, रोष था, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं साफ साफ देखने को मिल रहा है कि जिस प्रकार से राजधानी दिल्ली में पानी की जो समस्या हो रही है उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने 14 जगहों पर प्रदर्शन किया। देखिए आयुष आपके पास मैं आऊंगी, वीरेंद्र सचदेवा, पानी की चोरी और पानी का जो लीकेज सिस्टम है ये मूल कारण है जिसके लिए अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी और इनका भ्रष्टाचार शामिल है। जब तक समस्या सॉल्व होगी तब तक ये प्रदर्शन जारी, हमारी लड़ाई जारी रहेगी। हम दिल्ली वालों के लिए, उनकी एक एक बूंद के लिए लड़ते रहेंगे। दिल्ली को दिल्ली का पानी मिले, ये हमारा कर्तव्य है। देखिए बीजेपी नेता और कार्यकर्ता जो हैं वो जमीनी स्तर पर प्रदर्शन यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। आयुष आपके पास एक बार फिर से आना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से महिलाएं यहाँ पर प्रदर्शन कर रही हैं, आम आदमी पार्टी को लेकर नाराजगी है और ये कहा जा रहा है कि पानी के टैंकर जो है वो पैसे में बेचे जा रहे हैं और इसीलिए, और हरियाणा का एक जिक्र जो है वो आपकी तरफ से किया जा रहा है कि भाई वहाँ से अगर पर्याप्त पानी, जो आम आदमी पार्टी लगातार आरोप लगा रही है, वहाँ से अगर पर्याप्त पानी भेजा जाएगा तो फिर दिल्ली में पानी की किल्लतें जो हैं वो नहीं होंगी। अभी फिलहाल आम आदमी पार्टी सरकार की तरफ से आतिशी जो कि जल मंत्री हैं उनकी तरफ से क्या एक्शन लिया जा रहा है ताकि लोगों को जल्द से जल्द इस पानी की समस्या से निजात मिल जाए? और साथ ही तस्वीरें भी दिखाइए, लोगों से बात करिए। राजनीति लगातार चल रही है हरियाणा और दिल्ली के बीच में। जी माफी चाहूंगा, आपकी आवाज कट रही है। मैं कह रही हूँ लोगों से बातचीत भी करिए, उनकी समस्याएं सुनिए और तस्वीरें भी दिखाइए, अपनी बात पूरी करिए। जी बिल्कुल, इस वक्त जैसे लक्ष्मी नगर में हम मौजूद है जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में एक प्रदर्शन किया था। तो लोग यहाँ पर जो मौजूद हैं उनसे बात करेंगे। आप लोग मटके लेकर आए थे मैम, मटके आप लोगों ने फोड़े हैं, क्या कुछ आज आप इसके माध्यम से संदेश देना चाह रहे हैं, क्योंकि आरोप तो लग रहा है कि हरियाणा से पानी नहीं आ रहा? देखिए ऐसा है, 40 साल दिल्ली में मुझे रहते हुए हो गए हैं और पहली बार ऐसा हो रहा है, पानी की इतनी किल्लत होती है। कहाँ से हैं आप? मैं लक्ष्मीनगर से ही हूँ, लक्ष्मीनगर मंडल में उपाध्यक्ष हूँ। 40 साल यहीं हो गया, स्कूलिंग कॉलेज सब कुछ यहीं हो गया, पहली बार हम ये देख रहे हैं साफ पानी तो क्या, गंदा पानी भी नहीं आ रहा है और पानी की इतनी किल्लत कराए जा रहे होंगे कि जब पानी नहीं आता तो टैंकर मुहैया कराए दिए? नहीं तो टैंकर कहाँ मिल रहे हैं, टैंकर भी कहाँ मिल रहे हैं, और टैंकर में इतनी गर्मी में लोगों से खड़ा नहीं हुआ जा रहा। यहाँ यूट्यूब पे लोग डाल रहे हैं, इंस्टाग्राम पे डाल रहे हैं स्टोरी, पक्षियों के लिए पानी रखो, यहाँ जानवरों और पक्षियों को क्या पानी पिलाएं, यहाँ तो इंसान मर रहा है पानी से, हमें पानी कौन पिलाएगा? हमारी समस्या है इस क्षेत्र में लक्ष्मीनगर से आप हैं, तो ये गर्मियों में हो रही है, सर्दियों में भी हो रही है? ये कभी भी हो जाती है। सर्दियों में अगर पानी आएगा तो एक दो घंटे के लिए आएगा और गंदा पानी आएगा, कभी 4 बजे उठकर देखो, कभी 6 बजे उठकर देखो, कभी दोपहर को पानी नहीं आता। अब जैसे हम वर्किंग वुमेन है, हम दोपहर को तो घर में होते ही नहीं है, सबसे पहले तो यही काम होता है कि हम पानी का टाइम नोट करेंगे कब आएगा और कब नहीं आएगा। और अब देखिए, अब सुबह पानी आता है 1 घंटे के लिए आता है, उसमें आधा पानी गंदा आता है, आधा नहीं आता है। सर आप एक बात कह रही हो, सर अब जब आप कह रहे हो कि पानी गर्मियों में की दिक्कत है या सर्दियों की, ये सीएम है ना यहाँ के, तो सीएम का फर्ज बनता है ना कि अपनी जनता को हर तरह से मुहैया कराना चाहिए। जब उन्हें पता है कि गर्मियों में पानी की किल्लत है तो उन्होंने क्यों नहीं कोई प्री प्लानिंग करी? नहीं करी ना उन्हें प्री प्लानिंग, कैसे करेंगे? वो तो कभी गोवा जाते हैं सत्ता लेने के लिए, कभी कहीं जाते हैं, कभी कभी
पंजाब जाते हैं, उनको सत्ता का लालच है, वो सत्ता लोभी हैं और वो कुछ नहीं करने वाले। जिस सीएम ने अगर करना होता तो वो अपने मंत्रियों को कह के पानी की जो एक मुश्किल चल रही थी उसको हल कर सकते थे, पर वो करने के लायक नहीं है, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। प्री प्लानिंग करें आरोप लग रहा है ना कि हरियाणा अगर सही से पानी देते तो दिल्ली को दे दिया। न्यूज़ एक्स चैनल से कहूंगी मैं, वो हमेशा आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति करते रहे। वो पहले भी कहते रहे कि मोदी जी ये नहीं करने देते, मोदी जी वो नहीं करने। तुम्हें सीएम बनाया, तुम दिल्ली के मालिक हो, तुमने कहा मैं दिल्ली का बेटा हूँ, तो तुम्हारा फर्ज बनता है ना, तुम दिल्ली की जनता को हर चीज मुहैया करवाओ। तुम कैसे हाथ खड़े कर देते हो, क्योंकि तुम्हारे वश में कुछ है नहीं। तुम सिर्फ क्या करना चाहते थे, मैं पीएम बनना चाहता हूँ, तभी तो तुम इधर उधर भाग रहे थे, वरना तुम्हें दिल्ली की जनता ने मालिक बनाया था। तुम्हें एक सत्ता दी थी कि तुम संभालो, पर उसके बस की नहीं है संभालने। वो हमेशा क्या करता है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाता है जनता को, जो सपने कभी सच नहीं हो सकते। कहो सपने देखने बंद करो, धरातल पे उतर के जनता के लिए काम करो तो बढ़िया रहेगा, वरना इस्तीफा दे दो। गुस्सा कहीं ना कहीं लोगों में जो है वो यहाँ पर साफ देखा जा सकता है, जिस प्रकार से बात कही जा रही है। प्रदर्शन को लेकर तस्वीरें दिखाई है जरा, और लोग जो उतरे जमीन पर हाथों में प्लकार्ड्स पकड़े हुए हैं, क्या लिखा है, क्या मांगे हैं लोगों की, तस्वीरें भी दिखाइए आयुष। बिल्कुल, कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो इस वक्त हमने कुछ देर पहले दिखाई भी थी। ये मटकों के टुकड़े आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले तो ये लक्ष्मी नगर का चौराहा है, जहां पर मटके तोड़कर कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया था। मटके तोड़कर ये चीज दर्शाने की कोशिश की थी कि देखिए मटके खाली है, इनकी जरूरत नहीं है, क्योंकि इनमें पानी ही नहीं है, तो इनको यहाँ पर तोड़ दिया गया है। ये चीज यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रदर्शित की गई थी। वीरेंद्र सचदेवा यहाँ पर मौजूद थे। फिलहाल जो है प्रदर्शन खत्म हो चुका है। 14 स्थानों पर ये प्रदर्शन रखा गया था पूरी दिल्ली में, जिसमें 7 सांसद भी मौजूद थे, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी मौजूद थे। इन्हीं प्रदर्शनों के बीच जो कड़ी थी वो ये चीज साफ यहाँ पर स्पष्ट कर रही थी कि दिल्ली में लोग परेशान हैं पानी की किल्लत को लेकर। कई ऐसे इलाके हैं राजधानी दिल्ली के जहाँ पे पिछले कई दिनों से लोग एक एक बूंद पानी के लिए भी तरस रहे हैं। जी बिल्कुल, चलिए आयुष आपके पास आएंगे, लेकिन पानी को लेकर किस तरह से संकट बना हुआ है दिल्ली में, एक बार आपको ग्राफिक्स के जरिए भी समझाते हैं, और मौजूदा सरकार के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं ये भी आपको बताएंगे। और चलिए एक बार दिखाते हैं कि किस तरह का संकट जो है वो पानी को लेकर दिल्ली में फिलहाल बनता हुआ दिख रहा है। आपने प्रदर्शन देखा, लोग पानी के घड़े तोड़कर जो है वो रोष व्याप्त कर रहे हैं, अपनी नाराजगी जता रहे हैं। इन सब के बीच ये देखें तस्वीरें, दिल्ली में पानी का संकट जो है वो लगातार बरकरार है। पानी पर बीजेपी का प्रदर्शन, दिल्ली में पानी की किल्लत पर बीजेपी का हल्ला बोल। बीजेपी किस तरह से प्रदर्शन इस पूरे मामले को लेकर करती हुई दिख रही है। दिल्ली में जल संकट पर बीजेपी का प्रदर्शन जो है वो लगातार जारी है। जल संकट पर दिल्ली सरकार ने कोर्ट में जवाब भी दाखिल किया जा चुका है। दिल्ली में अलग अलग 14 जगहों पर प्रदर्शन बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। बीजेपी सांसद विधायक जो हैं वो इस प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि नाराजगी जो है वो लोगों के बीच उस कदर नजर आ रही है, जिसमें दिल्ली सरकार के खिलाफ बीजेपी का ये विरोध प्रदर्शन है। मटका लेकर महिलाएं जो हैं वो प्रदर्शन में शामिल हो रही हैं। कुछ महिलाओं को अभी आपने सुना भी, जहां पर किस तरह से नाराजगी गुस्सा जो है महिलाओं में साफ तौर पर नजर आ रहा है। पानी की बर्बादी के खिलाफ जो है, हालांकि आम आदमी पार्टी की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि एक्शन की बात कही जा रही है। दिल्ली में पानी के संकट पर लगातार प्रदर्शन हो रहा है। दिल्ली में पानी की किल्लत पर बीजेपी का हल्ला बोल। बीजेपी जो है वो प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। इस प्रदर्शन में बीजेपी के सांसद और विधायक जो है वो शामिल हो रहे हैं, और लोगों की मांग है कि पानी का संकट जो है वो बना हुआ है दिल्ली में, उसे जल्द से जल्द खत्म किया जाए, इस क्योंकि बेसिक नीड है पानी। पानी की जरूरत आपको पड़ती है, और ऐसे में कड़कड़ाती धूप में अगर पानी सुबह जल्दी आता है तो लोग रात से लाइन में खड़े हो जाते हैं, कुछ ही लोगों को पानी मिल पाता है एक टैंकर में, और पानी को लेकर मारामारी अलग से मची हुई है। और साथ ही दोपहर में अगर टैंकर आता है तो इतनी कड़ाके की गर्मी में कैसे लोग धूप में खड़े होकर पानी का इंतज़ार करते हैं कि कुछ पानी उनके घर के लिए अगर मिल जाएगा, थोड़ा सा स्थितियाँ जो है वो ठीक हो जाएंगी। लेकिन बुरा हाल है, कई कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर एक एक दिन तक, दो दो दिन तक पानी जो है नहीं आ रहा है। कनिका कटियार की इस पर एक रिपोर्ट देखिए। अभी तो हमारे एक हफ्ता हुआ है, मम्मी बता सकती है। एक हफ्ते प्रॉब्लम हो रही है पानी की? हाँ, पानी की दिक्कत तो होती है। और भी कुछ लोग हैं पिछले की किस तरह से जो है, तमाम जो सुबह सुबह लोग हैं अपनी घरों की बाल्टियाँ और तमाम जो चीज़ें लेके हैं वो निकल रहे हैं, और पानी इकट्ठा करके पूरे दिन किस तरह से गुजारा होगा उसको लेकर बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? पानी की
समस्या बहुत लंबी है यहाँ पे। हाँ होता है। होता है, कब से रह रहे हैं यहाँ पे? हम तो गांव से आए। गांव से आए, कहाँ रहते थे? पानी खूब कम आ रहा है। हाँ बहुत कम आ रहा है पानी, बहुत कम आ रहा है। हाँ शिकायत किया आप लोगों ने? नहीं शिकायत नहीं किया। नहीं की शिकायत? हम लोग नहीं जानता, गांव का आदमी है नहीं जानता। टैंकर से पानी भरते हैं, टैंकर से गुजारा कर रहे हैं पानी, टैंकर से गुजारा करता है। 30-35 साल से इसे ही टैंकर से गुजारा करता है। हम लोग नहीं हो रहा है, मट्टी का पानी हमारे गली में नहीं देता है। गली में पानी नहीं देता, गली में पानी नहीं देता। गली वही तो शिकायत नहीं किया, वही बात है। यहाँ पे मैं 30 साल से रह रहा हूँ सर, पानी से ऐसे तकलीफ हो रहा है। पानी कस्टमर है, ऐसे पानी के लिए कष्ट है, तकलीफ होता है। कभी 7 बजे पानी का टाइम था, सभी कभी 8 बजे टाइम आता है पानी के लिए। ये जो समस्या है ये केंद्र द्वारा लाई गई समस्या, आपको लगता है कि सरकारों को अपना अपना पलड़ा भारी कर झाड़ लेना चाहिए और दूसरों पे इंतजाम लगा देना चाहिए? सही है? सही नहीं है। पानी एक जमा करता है वो तो पानी के लिए देता है, कभी टाइम टेबल नहीं है, कुछ नहीं है। पब्लिक का ऐसे कष्ट हुई है पानी की? पानी के लिए तो समस्या पहले था, ठंडी में था, पहले सही आता था। ऐसे गर्मी के लिए पानी कभी आता है, हर गर्मी में किया था, कभी कंप्लेंट जा रहा था ऑफिस में तो किया था, कुछ आ जाएगा पानी, आ जाएगा, कभी नहीं आता है पानी। कभी 8 बजे आता है, कभी टाइम नहीं। मैं आदमी सब काम से निकल जाता है 8 बजे से, टाइम है उसका कि ड्यूटी जाने का, ड्यूटी कैंसिल हो जाता है पानी के लिए। आम आदमी पार्टी की सरकार है, आम आदमी पार्टी सरकार होने के बावजूद वो लोग कह रहे हैं कि केंद्र में बीजेपी सरकार है और गलती उनकी है। बीजेपी सरकार है, गलती उसकी है कि पानी के लिए देता नहीं है। क्योंकि आम सरकार था पहले, पानी आया था तो इसीलिए आता है, पानी देता नहीं है। क्या करेंगे सब? वैसे मैडम कितने बजे आता है टैंकर? आता था पहले 7 बजे आया था, अभी इस टाइम 8 बजे आता है। कभी कोई टाइम टेबल नहीं है इसका। जिस दिन टैंकर नहीं आता उस दिन क्या करते? उस दिन हम बहुत कष्ट करते हैं, पानी बाथरूम को लेके, बाथरूम से लेके आती है पानी। क्या करने दिक्कत है? आपको समस्या हो रही है पानी? हाँ सबको हो रही है यहाँ के, हाँ सबको हो रही है। सब यहाँ करिए आप लोग, नहीं अभी नहीं किया है तो क्या कहना चाहेंगे? हम क्या पानी चाहिए, हम लोग पानी चाहिए। तमाम जो लोग हैं वो इस वक्त बता रहे हैं कि जो एक लंबे समय से पानी की समस्या है उससे लोग जो है परेशान होते नजर आ रहे हैं। देखिए किस तरह से जो लोग हैं एक पानी इकट्ठा करते हुए नजर आ रहे हैं। आपसे कुछ देर पहले यहाँ पे टैंकर आया था और पीने के पानी का इंतजाम जो है वो टैंकर द्वारा किया जा रहा है, और अगर टैंकर नहीं आ रहा है तो लोगों को बहुत समस्या हो रही है। और दिल्ली में केवल एक इलाके की बात नहीं है, दिल्ली में ऐसे कई इलाके हैं जहाँ पर पानी की समस्या लगातार बनी हुई है।